ग्रिप्स एक्सपेरिमेंट कौन एंड पूरा भलसे डिस्क्राइब करदेवि बिट बाय बिट मुझे लिखुची सेमती लिखे वीडियो जमा भी स्किप करेंगे कि जमा भी एपट सेपट हो उठिकी जब कड़े जहाँ भी कहूँ मन दे कि शुणु लिखु जो प्राक्ट नोट कही जो रफ नोट कही सब लिखापी से सब लिखि रखुदूँ एंड नोट्स आई होप समे नोट डाउन करुवे टेलीग्राम चैनल में नोट्स प्रोवाइड कर देती पीएम बायोपैशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ मॉलिक्युलर बायोलॉजी सर्च करूँ स्क्रॉल करूँ पाइबे नोट्स नोट्स पाला आप डाउनलोड तो करें कारण मुझे ऑप्शन ऑफ कर देती बहुत पिला मिसयूज कले नोट्स को लेकिन से ऑफ कर देती आपठ जाकि नोट्स लिखिपारे मॉलिक्युलर बायोलॉजी पूरा हैंड रिटन नोट्स मुझे प्रोवाइड कर देती मेंशन है कौटा लॉन्ग क्वेश्चन कौटा शॉर्ट नोट ईच एंड एवरीथिंग पूरा मेंशन है ताको नोट्स करूँ कलेज खोलीगला सीबीसीएस पैटर्न बुक्स को इश्यू करके आनतु मॉलिक्युलर बायोलॉजी ताको आपण पढ़ा स्टार्ट करूँ एंड सहित मॉलिक्युलर बायोलॉजी मुझे फरेनाथन बही अपलोड कर देती टाइम बाहर करके पढ़ु एंट्रांस कारण फ्यूचर आप पीजी एंट्रांस देते लास्ट सेमिस्टर है आसिक ना कि लास्ट इयर होगा फिफ्थ सेमिस्टर आउ चार छः मस पर पीजी एंट्रांस बाहर तो से प्रिपेयर करूँ एंड ए एक्सपेरिमेंट को बहुत भल भाव में बुझुतु ए गोटे वन मार्क क्वेश्चन जमी थे भी एक्जाम एंड एक्जाम शॉर्ट नोट आसवर चान्स अच्छे ठीक अच्छे ग्रिप्स एक्सपेरिमेंट आम ग्रिप्स एक्सपेरिमेंट कहीं कहते कारण आपने साधारण पढ़ी मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट मैंने डिस्कवर करते ना ही रखी था सेमती ग्रिप्ट बोली जो साइंटिस्ट थे जीक कौन प्रूफ करवाक चाहते ना डीएनए को जेनेटिक मेटेरियल कहीं कहते आम जानते हैं डीएनए को जेनेटिक मेटेरियल कहते किसी किसी केस आरएनए को जेनेटिक मेटेरियल कहते प्रीवियस क्लास में कही कौ मानक आरएनए आरएनए को आम कौन जेनेटिक मेटेरियल कहते टीएमबी एच आई भी जेनेटिक मेटेरियल कहते ठीक सेमती जो सब ऑर्गेनिज्म मानक डीएनए को जेनेटिक मेटेरियल कहते कौन आम जेनेटिक मेटेरियल कहते कौन आरएनए जेनेटिक मेटेरियल हो पारे कौन डीएनए है कौ कौ क्यारेक्टर एमती डीएनए पाखे अच्छे जो द्वारा कि सी जेनेटिक मटेरियाल कहला से जिन लिखाई बस कनसेप्चुआल जिन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियाल या किए बाहर करें फ्रेडरिक ग्रिफ्ट 1928 प्रथम बाहर करते डीएनए को जेनेटिक मेटेरियल हिसाब से प्रूफ करने फ्रेडरिक ग्रिफ्ट जो साइंटिस्ट लगी पड़े तो ये कौन करते ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया गोटे बैक्टेरिया ने पे जानते हैं साधारण बैक्टेरिया एब तो माइक्रोबायोलॉजी उठी जाए ना आगुर पाला माइक्रोबायोलॉजी थी जो थी बैक्टेरिया गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर था बट आप पीजी एंट्रेंस वन मार्क क्वेश्चन जमीन भी माइक्रोबायोलॉजी आसो ही आसो स्ट्रेप्टोकोकस नाम ही जना पड़े गोटे बैक्टेरिया तो जमी न्यूमोकोकस रही स्ट्रेप्टोकोकस कोकस मीन्स सर्क्युलर तो यही नाम ही आपने जापरेंगे जे ये बैक्टेरिया ना वायरस ना फंगस ना कौन जो जगार प्रिफिक्स कोकस यूज होती सर्क्युलर टाइप स्ट्रक्चर जेहतु कोकस मैंने सर्क्युलर तो मैंने न्यूमोनिया बैक्टेरिया केमती है ना गोलिया बैक्टेरिया एमती गोलिया बैक्टेरिया तो स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टेरिया एंड माइस मैंने मूसा ये दी जन को लेकिन एक्सपेरिमेंट करवा स्टार्ट कले किए आम ग्रिफ्ट बोले जन साइंटिस्ट आम मूसा को कहीं ना कहीं मनीष को ना कहीं आम जानते जेको एक्सपेरिमेंट आम करती प्रथम मूसा हो कि लोअर एनिमल हूँ माकड़ हूँ से पटे आम एक्सपेरिमेंट करती मनीष मानते केवि एक्सपेरिमेंट हिसाब से यूज करती ना मूसा मानक साधारण बेस यूज कराए माकड़ मान कम यूज कराए कहीं मूसा मान गोटे जगार रखा से एक्सपेरिमेंट करवा बहुत इजी है मूसा मानक इन कंपेरिजन टू मंकीज से मूसा मानक साधारण एक्सपेरिमेंट हिसाब से यूज कराए जमी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मूसा को लेकर ही या इम्यूनोलॉजी पढ़ेगी जो आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बुझेबी देखिए मूसा को लेकिन कितने सुंदर भाव में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रिपेरेशन होता ठीक अच्छे तो ग्रिप तो आम कौन कले ना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ने गोटे माइस नहीं कि एक्सपेरिमेंट करवा स्टार्ट कर इटे से कौन करते स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया दी प्रकार टाइप को नहीं गोटे टाइप हूँ स्मूथ टाइप को ना स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टेरिया दी प्रकार टाइप देखा जाए गोटे स्मूथ टाइप आउ गए
रफ टाइप जमी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे आरिआर गोटे एसीआर आरिआर कौन ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसीआर कौन ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक से जो बैक्टीरिया रही है बैक्टीरिया दि प्रकार टाइप रही है गोटे हूँ स्मूथ टाइप गोटे हूँ रफ टाइप स्मूथ टाइप रो कैरेक्टरिस्टिक कौन ना यार गोटे कैप्सूल प्रेजेंट अच्छे कैप्सूल मैंने कवरिंग जमी आम बडी कवरिंग हूँ स्किन ठीक से स्मूथ निमोनिया बैक्टीरिया ऊपर कवरिंग गोटे थाए जहाँ को कैप्सूल बोली थी बैक्टेरिया मानकर ऊपर कवरिंग को कैप्सूल बोली कहा जाए किंतु रफ रे कौन अच्छे रफ टाइप रो निमोनिया बैक्टीरिया विदाउट कैप्सूल दैट मीन्स तार ऊपर कवरिंग टा स्ट्रांग है कि नहीं देन यार को टाइप देखा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एस वन टाइप देखा एस टू टाइप देखा एस थ्री टाइप स्मूथ देखा जो टी रफ रे आर वन आर टू एंड आर थ्री देखा तो तीन प्रकार रफ बैक्टेरिया देखा तीन प्रकार स्मूथ बैक्टेरिया देखा स्मूथ बैक्टेरिया आउ गोटे कैरेक्टरिस्टिक कौन ना पाथोजेनिक विरुलेंट होती मानते रोग तैयारी पाथोजेनिक बहुत विरुलेंट मैंने कौन मानने बहुत एक्शन कर पारती बेसी से मैंने रोग करई पारती बेसी एक्टिव रही पारती विरुलेंट बोली विरुलेंट पाथोजेनिक बट ए रफ मैंने कौन होता नॉन विरुलेंट नॉन पाथोजेनिक टाइप रही बेस रोग प्रोग करती ना बहुत शांत शिष्ट स्वभाव रही कौन मैंने ए रफ मैंने क्यारेक्टर जाना निहती भाव दरकार क्यारेक्टर न जाने एक्सपेरिमेंट से जो कर चार पांच थर एक्सपेरिमेंट करके से देखी कौन डीएनए टा प्रूफ हो कौन जेनेटिक मेटेरियल हिसाब से प्रूफ हो तो से क्यारेक्टर जाना निहती भाव में दरकार किंतु एतिक जो आम देखे ये गुड़ाक हूँ स्मूथ आउ रफ हेल्ले सब कुछ नहीं कि से एक्सपेरिमेंट करते क्या नहीं करते ना केवल एस थ्री एंड आर टू वैरायटी को लेकर ही से एक्सपेरिमेंट करते चारिथर एक्सपेरिमेंट करते चारि थर चारि प्रकार एक्सपेरिमेंट करते केवल डीएनए को जेनेटिक मेटेरियल हिसाब से प्रूफ करवाई से कौन कौन एक्सपेरिमेंट करते हैं देखा क्या क्या नहीं कितने के थर कौन चार थर तक दरकार पड़े एक्सपेरिमेंट करवा डीएनए को प्रूफ करने जेनेटिक मेटेरियल हिसाब से देखा तो लिखी रखुद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्रीफ आर टू को लेकिन कले आर टू कौन रफ जी कौन नॉन विरुलेंट नॉन पैथोजेनिक सब स्मूथ आर टू रो कैरेक्टरिस्टिक मन रखे ना एक्सपेरिमेंट सब भूल भाल हो तो आर टू को जो इंजेक्ट कले गोटे माइस दे रिजल्ट कौन है ना माइस सर्वाइव करगला माइस सर्वाइव करगला कहीं नॉन विरुलेंट नॉन पैथोजेनिक जो गोटे नॉन विरुलेंट नॉन पैथोजेनिक इंजेक्शन बॉडी दे देबी किसी असर ही करेंगे जो द्वारा कि बॉडी बंची जीव से माइस कौन कला ना सर्वाइव करगला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन करे एस थ्री मैंने स्मूथ एस थ्री कैटेगोरी को इंजेक्ट कले माइस रे द रिजल्ट कौन है ना माइस इनफेक्टेड हो गला एंड बिचारा मरी भी गला कहीं एस थ्री टाइम कौन रोज इनफेक्शियस रोज पाथोजेनिक रोज विरुलेंट रोज से नेक्स्ट रे कौन कले ना इंजेक्टेड हिट किल्ड एस थ्री दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एस थ्री एंड हिट किल्ड एस थ्री हिट किल्ड एस थ्री टाइप टू द माइस एंड रिजल्ट इज द माइस सर्वाइव ये गोटे आचंबित कथा देखिए कौन जदि एस थ्री टाइप दूसरी माइस मरी जा किंतु यदि हीट किल्ड एस थ्री दौर तेल माइस पहुंची जाऊँगी ये केमी क्या पसबल हो पार्टी देन स्टेप फोर कौन कले ना आर टू टाइप एंड हीट किल्ड एस थ्री टाइप ये जो आर टू टा इंजेक्ट करते आर टू एंड हीट किल्ड एस थ्री दीटा अंक मिसाइकि माइस को इंजेक्ट करते जो द्वारा कि रिजल्ट कौन ना बिचारा मूसाटा फिर से मरीगला तो माइस डाइड तो ये से कौन भावे ना एस थ्री टा आम हूँ जो हिट किल्ड एस थ्री दौरान ये नन विरुलेंट हो बट आर टू टा कौन रोज विरुलेंट हो किंतु एठी कौन एमती कम करोद्वारा कि मूसा मरी जाऊँ तो सीए टे भाविले मत आर टू रईफ टा हिट किल्ड एस थ्री पाक को ट्रांसफर हो जाए जो द्वारा कि गोटे मूसा मरी जाऊँ हिट किल्ड एस थ्री असर एतटा मूसा उपरि जो कि मूसाटा बंची पारे आर टू रईफ टा हिट किल्ड एस थ्री पाक को ट्रांसफर हो जाए एंड से आर टू टा बेसी डोमिनेट हो हिट किल्ड एस थ्री जो द्वारा कि इनफेक्शस हो जाए बडी एंड मूसाटा मरी जाऊँ तो ये से कौन कहे रिजन कौन यार रीजन कौन देले ना द लाइफ ऑफ आर टू मस्ट हैव ट्रांसफर टू द हिट किल्ड एस थ्री व्हिच रिजल्ट्स दैट द माइस डाइड लाइफ आर टू र लाइफ टा हिट किल्ड एस थ्री पाक को ट्रांसफर हो जाए जो कि बेचारा मूसाटा मरी जाए किंतु एक्सपेरिमेंट रु आम गोटे भी कौटी कंक्लूजन पाइले कि डीएनए जेनेटिक मेटेरियल हिसाब से कम करएन रि क्वेश्चन ही उठूनी डीएनए ना आम पाँच ना ये जेनेटिक मेटेरियल आम किसी पाँच जमी आम पूरा क्लूलेस है एक्सपेरिमेंट पूरा क्लूलेस आमको लगुच ठीक से सारा एक्सपेरिमेंट कर सारापर ग्रिफिथ देखे डीएनए रेनेटिक मेटेरियल हिसाब से किसी पा ही ना बट हियर नो रिजल्ट वाज फाउंड दैट डीएनए एक्सेस द जेनेटिक मेटेरियल से कौन है मन दुख हो गला एंड से कौन कले एक्सपेरिमेंट को अधारू ही छाड़ देले किंतु फिर भी
भी हमर प्रूफ है जी कोन प्रूफ है जी ना डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल केमित प्रूफ है जी एंड को माने प्रूफ कर जंती यांको पारे दीर्घ 16 वर्ष पारे आउ तीन जन साइंटिस्ट आसीले एंड से माने ही प्रूफ करले डीएनए को जेनेटिक मटेरियल हिसाब रे जोठो ग्रिफिथ छाडी थिले एक्सपेरिमेंट सेठ ही स्टार्ट करले से तीन जन साइंटिस्ट एंड पर जोरदार एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करके डीएनए को जेनेटिक मटेरियल हिसाब रे प्रूफ करथिले किंतु केमित प्रूफ करथिले अब देखिबा ता पूर्व रे आकु समस्त लेखि रखन तो हां ये चारटा एक्सपेरिमेंट्स ना प्रूफ करने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल हिसाब रे बट या भीतर 1 मार्क क्वेश्चन सियोर आसीबा एग्जाम रे कोन आसीबा ना ए जो एक्ट 2 देले माइस्रो कंडीशन कोन होची अकॉर्डिंग टू ग्रिप्स एक्सपेरिमेंट इफ both R2 and hit killed S3 was injected to a mice then what happened to the condition of mice emte gote question asibo musa morijibo na musa banchibo na musa ra kichi affect padibo ni na musa ko kichi farak hi padibo ni mane musa ra kon condition da habo tumko pacharibo to eti tumhe kon karibo na mice died bole karibo to chari ta jaka condition pacharibo jodi R2 diya jae kon hochi jodi simple S3 diya hochi kon hochi jodi hit killed S3 diya hochi kon hochi musa ra condition and jodi both R2 and hit killed S3 diya hochi ताहले कौन होची माइस्रो कंडीशन ए चारटा अंक गोटे गोटे 1 मार्क क्वेश्चन एको पूरा भल से मन रखिबे एंड ये स्मूथ एंड रॉक भीतर जो कैरेक्टरिस्टिक अछि ताको बहुत भल आबरे मन रखि देबे जो तारे की एक्सपेरिमेंटटा मन रखिया पई पूरा इजी हे जेबो ठीक अछि ताले नेक्स्ट देखिबा केमिते हमर डीएनए प्रूफ हेला जेनेटिक मटेरियल हिसाब रे जेमते के मु कहुथिली कोन ना तीन जन साइंटिस्ट आसीले 16 वर्ष पारे ताको ना कोन जणे रहउछन्ती आवेरी जणे रहउछन्ती मैक्लियोइड आ जण रहउछन्ती मैकार्थी ए तीन जन साइंटिस्ट आसीले 16 वर्ष पारे 1944 रे एंड जो ही ग्रिफिथ छाडीथिले तंकर एक्सपेरिमेंट से टू ही कंटिन्यू कले सो से कोन कले व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑन द टिश्यू ऑफ दैट डेड माइस चार नंबर एक्सपेरिमेंट रे कोन पाइथिले हिट किल्ड S3 एंड R2 को इत बेले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करथिले ने कि माइस ऊपर बिचारा मुसाटा मर जाइथिला माइस डेड हे जाइथिला एबे ए तीन जन साइंटिस्ट कोन कले सेम मोला मुसा को नेकरि ही एक्सपेरिमेंट कले कौन कले ना मोला मुसा रा टिश्यू को लेके एक्सपेरिमेंट कले व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑन द टिश्यू ऑफ दैट डेड माइस दे फाउंड दैट द टिश्यू हैव लाइव S3 टाइप माने S3 टाइप ता वर्तमान सुधा बंची के अछि किंतु हिट किल्ड S3 टाइप देथिले मुसा धरे हिट किल्ड S3 टाइप ता बिल्कुल बंचीबा कथा हिनो कारण से अधा धर्म रा हे अछि हिट किल्ड माने कोन अधा धर्म रा अवस्था गोटे अधा धर्म रा अवस्था से केबे बंचीबा नी किंतु मुसा रा टिश्यू भीतर लाइव S3 मिलुची केमती माने आत्मा टाइप रा दिन सब रा लाइव S3 मिलिला केमती So they thought that dead S3 cannot be life, but there is something in the tissue of S3 which get transformed S3 to R2. तो ताको का ये आंसर कौन थे ना? S3 तो केवल भी बंची पारी बन नहीं, S3 केवल भी life है पारी बन, क्योंकि hit killed S3 दिया है इसलिए। किंतु S3 पाकरे इमित किच्छ वाटे शक्ति थिला, इमित किच्छ तो वाटे जिंसा थिला, जो तरह के S3 किच्छ वाटे synthesis करी ची, कि मैं किच्छ तो वाटे है ची, जो तरह के S3 टा R2 को convert है जाए ची। Something in the tissue of S3 which get transformed S3 to R2. That means जो hit killed S3 थिला, जेटा पूरा पूरी R2 को convert है जाए ची। And that's why R2 becomes S3. जेता बड़े अमें भूता मूवी देखो चंद, भूता मूवी देखले कौन होची? आत्मा कोटे होची, शरीर कोटे होची। आत्मा तो शरीर भीतर को पढ़े होची। Character behavior कहाँ बड़ा है होची? भूता टाइप रहा है जो होची। Exactly सही सेम जिन्सा। इले S3 टा कौन होची? S3 पाखुरो किच्छ वटे जिन्सा R2 पाखु को transfer है जाए ची। जो तरह की R2 टा अच्छी किंतु कैरेक्टर को टाइप रहा होची ना S3 है जाए ची। जो तरह की R2 टा संपूर्ण रूपे कन्वर्ट है जाए ची S3 इटे आउटर कर दो ची S3 कोथरे कन्वर्ट है जाए ची R2 को कन्वर्ट है जाए ची दैट मींस R2 टा एबे कोन है जाए ची S3 है जाए ची R2 टा एबे S3 रे कन्वर्ट है जाए ची एंड द माइस डाइड एबे एठी माइस टा मरि जाए ची हिट किल्ड S3 टा तळ R2 को कन्वर्ट है गला त माने R2 टा S3 है गला नॉर्मल S3 है गला स्मूथ है गला स्मूथ माने कोन जतिको सब कॉन्टाजियस तो जति कॉन्टाजियस हे जाउ छी इन्फेक्टेड हे जाउ छी त द्वारा माइस मरि जाउ छी बिकॉज S3 इज वायरुलेंट बा कॉन्टाजियस बा पैथोजेनिक सेति में हमरा माइस टा मरि जाउ छी एंड ए जो प्रोसेस हो छी को प्रोसेस ना हिट किल्ड S3 रु किछ त गोटे सिंथेसिस हो छी जोति पाई कि S3 टा टोटल कन्वर्ट हे जाउ छी R2 को बा S3 रु किछ गोटे ट्रांसफर हे जाउ छी R2 को जो देर के R2 टा संपूर्ण रूपे S3 रे कन्वर्ट हे जाउ छी आ ए प्रोसेस को कोन कहले ना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बोले कहले के कहले आवेरी मैक्लियर्ड एंड मैकार्थी कहले जे S3 टा जते बेले R2 को कन्वर्ट हो छी R2 टा संपूर्ण रूपे S3 हे जाउ छी किंबा S3 रु किछ गोटे जिंस सिंथेसिस हे कि R2 को जाउ छी जो देर के R2 टा संपूर्ण रूपे चेंज हे कि S3 हे जाउ छी एंड ए कंडीशन को से कोन कहउछन्ते ट्रांसफॉर्मेशन बोले कहउछन्ते किंतु किछ समय पारे किछ दिन पारे से कोन पाइले लैटर दे फाउंड दैट R2 हैज नो कैप्सूल रफ R2 जो नै थिले तदर कोनो से प्रकार कैप्सूल
कैप्सूल ही नथिला कारण हम जानि छथि आटा कोन विरुलेंट टाइप नो नॉन विरुलेंट तो इथरे परवर्ती समय रे कैप्सूल नथिला व्हेन S3 एंड R2 कंबाइंड S3 सिंथेसिस समथिंग बाय व्हिच R2 स्टार्ट्स क्रिएटिंग कैप्सूल अराउंड इट इथरे कोन छ देखिले हमें स्मूथ रे देखिथिले कैप्सूल प्रेजेंट अछि रफ रे देखते रे कैप्सूल प्रेजेंट नहीं तो ऑब्वियसली R2 रे कैप्सूल तो एब्सेंट ही थिबो पछरे से कोन भाबरे R2 माने कैप्सूल एब्सेंट अछि जदी कैप्सूल एब्सेंट अछि किंतु परवर्ती समय से देखु जन जे तोले S3 आ R2 कंबाइन है के दिया हो जे माइस को माइस रो डेड सेल नो एक्सपेरिमेंट करके जानु चंती जे R2 रे तो कैप्सूल रहिबा कथा नुहे किंतु फिर भी या चारि पटे कैप्सूल आसुची कोटू मे बी S3 किछि गोटे सिंथेसिस करिछि जो द्वारा कि R2 टा संपूर्ण रूपे S3 को कन्वर्ट हे जाइछि एंड धीरे धीरे ता चारि पटे मध्ये कैप्सूल फॉर्मेशन हबा स्टार्ट हेछि जेमति कि एम्फिबिया बेंगो मान को एग्जांपल लबा से माने कोन थिले प्रथमे पानी देथिले तापर तल टेरेस्ट्रियल रीजन को आसीले लैंड को आसीले से मान को बॉडी धीरे धीरे अडॉप्ट करबा को स्टार्ट हला से मान को रेस्पिरेशन से मान को लोकोमोशन एंड एवरीथिंग से मान को चेंज हला अडॉप्ट करले से माने गोटे मोड रु आ गोटे मोड को नुवा नुवा सिखिबा चेंजेस हला तांकर मोड ऑफ रेस्पिरेशन चेंज हे गला सब किछि इनसे से मान को चेंज हे गला तो याको में कोन कहउछन्ती अडॉप्टेशन कहउछन्ती ठीक सेंती एठे हम तको ट्रांसफॉर्मेशन बोली कहिरे जो द्वारा कि फास्ट R2 पाखरे कैप्सूल नथिला धीरे धीरे R2 पाखरे कैप्सूल फॉर्मेशन हबा स्टार्ट हे गला स्टार्ट क्रिएटिंग कैप्सूल अराउंड इट एंड कन्वर्टेड टू स्मूथ वन जते बले R2 चारि पटे कैप्सूल फॉर्मेशन हबा स्टार्ट हेला S3 पाखरु किछि तो गोटे सिंथेसिस हेला जो द्वारा कि R2 चारि पटे कैप्सूल फॉर्मेशन स्टार्ट हेला एंड ए R2 चारि पटे जते बले कैप्सूल फॉर्मेशन हे गला हेते बले से कोथरे कन्वर्ट हे गला ना स्मूथ को कन्वर्ट हे गला एडी देखै दउ छी पूरा सपोज ये रहूछि R2 टाइप फ्री अछि कोनो प्रकार कैप्सूल है चारि पटे नहीं ए S3 कोन करूछि ना किछि तो गोटे सिंथेसिस करूछि जो द्वारा कि R2 चारि पटे धीरे 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 कैप्सूल फॉर्मेशन हबा स्टार्ट हे जाउछि तोले कैप्सूल फॉर्मेशन हे जाउछि ये यार शक्ति हरै बसुछि नॉन विरुलेंट रु ये विरुलेंट हे जाउछि विरुलेंट होछि माने R2 धीरे 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 S3 टाइप को कन्वर्ट हे जाउछि नॉर्मल S3 टाइप को कन्वर्ट हे जाउछि हिट किल्डन में ए नॉर्मल S3 टाइप को त कन्वर्ट हे जाउछि स्मूथ वन टा कोन अछि ना विरुलेंट अछि जते बले विरुलेंट अछि दैट मींस सेति पई मूसाटा मरी जाउछि माने एतिके एक्सपेरिमेंट रु पारले जेथरे कोन होउछि ना विरुलेंट होउछि S3 टा विरुलेंट हे जाउछि R2 टा S3 रे कन्वर्ट हे कि विरुलेंट हे जाउछि जो द्वारा कि मूसाटा मरी जाउछि ओके एबे फाइनल कंक्लूजन से पाई गले एक्सपेरिमेंट करके पाई गले किंतु या भीतर से माने डीएनए केमिति पाइले किछि एंजाइम माने यूज करथिले हम भले हम जान छथि जहां भी हम एक्सपेरिमेंट करथि जहां भी करथि हमको एंजाइम दरकार हार्मोन दरकार जो द्वारा कि हमें सब किछि एक्सपेरिमेंट कर परे बिना एंजाइम बिना हार्मोन बिना केमिकल रिएक्शन हमर किछि भी पॉसिबल हे परि माने सेति पई ये कोन करथिले तीन प्रकार एंजाइम नेथिले जो एंजाइम को बारी बारी के टेस्ट करथिले एंड से एंजाइम द्वारा ही ये जानिबा को पाइथिले जहां भीतर जो डीएनए अछि से होछि जेनेटिक मटेरियल को तीनटा एंजाइम से नेथिले एबे देखिबा ओ से तीनटा एंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसे 1.5 मार्क्स रेटिस 2 मार्क्स रे आसे एंड ताहे तो 1 मार्क्स क्वेश्चन रे जो मल्टीपल चॉइस पर माने इंटरेस्ट हो सेथिरे मथे आसीबो ए एंजाइम रो ना एंजाइम रो फंक्शन ए एंजाइम को किए यूज करथिले को थे यूज करथिले एगुडा सब 1 मार्क क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि एबे देखिबा तीनटा अंक एंजाइम फर्स्ट ताला को लिखि दियौ तो जेमते मु नोट्स वाइज डाके डाके लिखो छि सेमते एटा पर प्रॉपर नोट याको मध्ये लिखि रखंतु कौन तीन एंजाइम से नेले फास्ट नेले प्रोटीएज प्रोटीएज कौन डाइजेशन पढ़ेला बेले मैं कहती डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेला बेले प्रोटीएज का काम होती है प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर व्हिच कैन ब्रेक डाउन प्रोटीन बट द रिजल्ट वाज सेम सो हियर प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस देन से कौन नेले आरएनएज नेले आरएनएज रे माने कौन जे आरएनए को डिस्ट्रॉय करबा एठे माने से कोन से प्रकार रिजल्ट इते भलो पाइले ने तो सेतु से कौन भाबिले ना आरएनए मध्ये ट्रांसफॉर्मेशन पाइ रिस्पॉन्सिबल नुह दैट मींस आरएनए वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनली से थर्ड एंजाइम नेले कौन ना डीएनएस डीएनएस माने जे के डीएनए को डिस्ट्रॉय करि पारु थिबो बट दे डिडंट फाइंड द सेम रिजल्ट सो दे फाउंड दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ताले से कौन रिजल्ट पाइले डीएनएस लेले डीएनएस डबा द्वारा इथरे से देखिले जे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो नाही इथे से कोनोसी प्रकार फंक्शन पाइले नाही आ सेठी कोन पाइले ना गोटी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होचे माने गोटे बैक्टीरियल स्ट्रेन रु आ गोटे बैक्टीरियल स्ट्रेन को जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होउची सेति पई इथे से कोन करे ना जे रिजल्ट किछि सेम मिलोनी जोतरे केठे पाई जाउचे जे डीएनएस निश्चिंत भाव रे ट्रांसफॉर्मेशन ने काम करूची एंड दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय व्हिच इट वाज डिस्कवर्ड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज़ वन टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन ट्रांसफर टू द अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन ये जदी गोटे बैक्टीरियल स्ट्रेन होउची त
ये आ गोटे बैक्टीरियल स्ट्रेन पाखक ट्रांसफर होके जाउची सो आफ्टर देयर कंट्रीब्यूशन इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल एंड वर्तमान सुधा भी हमें कौन बोल जान छन डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ओके तो ये ग्रिफ्थ काहे के हम ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट बोली कहउ छन प्रथमे ग्रिफ्थ ही स्टार्ट करथिले एक्सपेरिमेंट हां एठे तीन जण साइंटिस्ट कर मतदान रहउ छे से माने मते एक्सपेरिमेंट कर छन किंतु जेहेतु ए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट आईडिया फर्स्ट ग्रिफ्थ को मुंडो को आसिला सेइपय साइंटिस्ट ग्रिफ्थ को नाम अनुसार याकु ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट बोली कहा जाय एंड ये गोटे बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट प्लस टू पाई तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट ओके आई होप समस्त बे क्लियर हो जाए कनसेप्ट जदि कौन से जगह प्रॉब्लम होती वीडियो को आउ थोड़े देखा कहीं एक्सपेरिमेंट बहुत ट्रिकी बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपोर्टेंट थे नुहे दि थर नुहे जपर्यंत भल से कनसेप्ट क्लीयर नई तीन थर वीडियो देखते एंड लिखिके रखुद पूरा नोट्स मुझे देदेली एमती ना कि नोट्स मुझे पूरा नोट्स देदेली प्लस टू पिला मैंने नोट्स हिसाब से यूज करेंगे बस टिके 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 डायग्राम पसवा भितर जो डायग्राम मुझे करनी कहीं डायग्राम करने द्वारा बहुत टाइम जाए मुझे बहुत किसी टाइम लगुच बहुत समय लगुच रेकर्डिंग एंड लाइट प्रोब्लेम रोचे जो द्वारा कि करेंट को वेट करने को पड़ी केतबाला करेंट आस लाइट आसे रेकर्डिंग करी नेटवर्क इश्यूज रोचे कि फिर भी आपको कनसेप्ट क्लीयर पर मुझे बहुत चेस्टा करके वीडियो लेके आदि वीडियो हेल्पफुल रोचे तो प्लीज लाइक करूँ जिते सांग मैंने पढ़ुंत सेयार करूँ प्लस टू हूँ प्लस थ्री हूँ जी भी हूँ से सेयार करूँ एंड प्लीज जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु जमी सपोर्ट करमती मतलब सपोर्ट कर था नेक्स्ट वीडियो का आसो का देखा रेप्लिकेशन विषय में बहुत 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 इंपोर्टेंट टॉपिक तेल का वीडियो देखु था एंड या प्रैक्टिस कर था थैंक यू।